हेलो सोल्जर्स, कैसे हो आप लोग? बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं द सेल। द सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन का डिस्कशन हम लोग लेक्चर नंबर 5 में किया। आज हम लोग मिल रहे हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे जो है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे जो है मॉलिक्यूल जो है आयंस जो हैं आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आते जाते हैं, जिसकी वजह से सेल की इंटीग्रिटी बनी रहती है। सेल जो है कम्युनिकेट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं इनटू द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने के लिए इसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ रिविजन करेंगे रिगार्डिंग द मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 मॉडल्स दिए गए, दैट इज फर्स्ट वॉज द डेनियल डेवसन मॉडल, सेकेंड इट वॉज द रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड इट वॉज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। शुरू के जो दो मॉडल थे वो फेल हो गए, फ्लूइडिटी, परमेबिलिटी, स्पेशली सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है इसको एक्सप्लेन करने में यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट और डेनियल डेवसन मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट फेल हो गया और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कॉन्सेप्ट सक्सेसफुली परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया। तो रिवीजन करें हम लोग थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली मेड अप बाय द प्रोटीन एज वेल एज द लिपिड, और लिपिड के सी में जो प्रोटीन है इट वाज एक्टिंग एज अ आइसबर्ग। बीच बीच में टीले के समान जो है प्रोटीन जो है इम्बेडेड होती थी या रहती है इन केस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन टू द मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड। और ये जो प्रोटीन है ये इट विल बी ऑफ टू टाइप्स ऑफ द प्रोटीन, इट विल बी एक होगा आपका इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा होगा जस्ट पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पे लिपिड की सरफेस पे मौजूद होती थी, इंटीग्रल जो प्रोटीन है डीप साइडेड इनटू द लिपिड मैट्रिक्स फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड, यानी जो है एक प्रोटीन की जो है लेयर जो है ऊपर से लेके नीचे तक पूरे मेम्ब्रेन को क्या करती थी, भेदती थी, क्रॉस करती थी, जिसको कि हम लोगों ने इंटीग्रल और इंट्रिंजिक प्रोटीन की बात नाम से जाना, और वही जो है चैनल के तरीके से काम करते। तो इसको एक बार फिर से हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने पेश किया कि जस्ट ये लिपिड की एक लेयर है, लिपिड बाई मॉलिकुलर लेयर, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि अपर साइड में जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड है और ये बीच में जो है हाइड्रोफोबिक टेल है, लिपिड बाई लेयर। और यहाँ पे लिपिड मैट्रिक्स के अंदर कुछ हमको प्रोटीन्स दिखाई दी दे रही है या देती है, जिसके अंदर ये जो प्रोटीन है एम्बेडेड होती हैं इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड। और ये जो प्रोटीन है, ये कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, 2 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। इन प्रोटीन्स को हम लोग, एक प्रोटीन को हम लोग चैनल प्रोटीन के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। माय सोल्जर्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने दिमाग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पहले फिक्स करेंगे, यानी लिपिड के मैट्रिक्स में प्रोटीन एम्बेडेड होती है और प्रोटीन जो है 2 टाइप्स की होगी, एक होगी कैरियर प्रोटीन और दूसरा होगा चैनल प्रोटीन, जिसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट होना है, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट होना है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच वन इज जस्ट मेड अप बाय द लिपिड एज वेल एज द प्रोटीन। वेरी गुड। अब इसके बाद हम बात करें कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली 2 टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है। एक ट्रांसपोर्ट होता है क्या, उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला ट्रांसपोर्ट क्या होता है,
पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरे टाइप के ट्रांसपोर्ट का नाम क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है थोड़ा सा देखें। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि पैसिव का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी न लगे, एनर्जी न खर्च हो। यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी भी प्रकार की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करना पड़ता है। माय डियर सोल्जर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी प्रकार की एनर्जी को खर्च नहीं करती है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इन पैसिव ट्रांसपोर्ट देर इज नॉट गोइंग टू बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, देर इज नॉट गोइंग टू बी कंजप्शन ऑफ एनी एनर्जी। और दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इट विल बी ऑफ द थ्री टाइप्स। दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट इट विल बी ऑफ द थ्री टाइप्स। पहला है आपका सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन एंड तीसरा है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। ये तीनों ही डिफ्यूजन के अंदर जो है जो एनर्जी का खर्च नहीं होता है। एनर्जी का खर्च क्यों नहीं होता है, क्योंकि मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या फिर कंसंट्रेशन के डायरेक्शन में होता है। कंसंट्रेशन के डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑटोमेटिक जो है पार्टिकल, ऑटोमेटिक जो सब्सटेंस है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और इसी प्रकार के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑटोमेटिक लोअर से हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने में एनर्जी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, एनर्जी कोई भी खर्च नहीं होगी, देर विल नॉट बी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ द एनर्जी, हेंस इट इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन, चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन एंड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होता है। आइए इसको देखें कि किस प्रकार के डिफ्यूजन में व्हाट काइंड ऑफ द सब्सटेंस, किस प्रकार के मॉलिक्यूल या किस प्रकार के सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन केस ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है, अक्रॉस द लिपोइडल लेयर, अक्रॉस द लिपोइडल लेयर। और इसके अंदर किस प्रकार के सब्सटेंस, किस प्रकार के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, डियर सोल्जर याद रखिए यहाँ पे किसका होता है, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का। ये कैसे मॉलिक्यूल हैं, ये स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये क्या हैं, नॉन पोलर हैं। यानी ये मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल पोलर तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये अनचार्ज मॉलिक्यूल है। तो यदि अनचार्ज मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि छोटे साइज में हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होगा, बाय द लिपोइडल लेयर, एंड सच काइंड ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज द सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज द चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन। चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन के अंदर देखिए कुछ हमारे पास जो चैनल प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन जो कि एम्बेडेड होती हैं इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है कि आयंस स्पेशली सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ ऑटोमेटिक चैनल के थ्रू मूव करते हैं, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज द चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन। अगेन फिर से रिवाइज करते हैं कि चूंकि सब्सटेंस का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसलिए एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, देयर विल नॉट बी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन के अंदर आयनक का ट्रांसपोर्ट होगा, चैनल प्रोटीन के थ्रू होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, और एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इट विल बी द पार्ट ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों, बिकॉज देयर इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। दूसरे हमारे पास है
कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन के अंदर किस प्रकार के सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन होता है डियर सोल्जर, याद रखिए कैसे, मैक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल लाइक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो कि बड़े मॉलिक्यूल हैं, चार्ज मॉलिक्यूल हैं, या फिर आयन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। और आयन का ट्रांसपोर्टेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन इसलिए वर्ड हो रहा है, यूज हो रहा है, क्योंकि दिस विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस केस में भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज ऑल्सो जस्ट रनिंग इन टू द डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके बाद आता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन के थ्रू ही होती हैं। प्रोटीन, कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन का मतलब, चैनल का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली एक एक्टिव साइड होगा, उस प्रोटीन के अंदर एक्टिव साइड होगा, और उस मॉलिक्यूल से, उस एक्टिव साइड से मॉलिक्यूल जाकर के बाइंड होगा, एंड बाइंड होने के बाद उसके अंदर क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज होने के बाद नाउ दिस प्रोटीन विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन यानी चैनल के अंदर एक्टिव साइट होगा, एक्टिव साइट से मॉलिक्यूल के बदलने के बाद देयर विल बी कन्फर्मेशनल चेंज इन टू द प्रोटीन विच विल बी एबल टू बी ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल और आयन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और इससे याद रखिए कि जस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, इट विल बी अगेंस्ट द ग्रेडिएंट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, यानी कि ये अपने कम कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के तरफ ये आयन मूव करेंगे, और जाहिर सी बात है द प्रोसेस इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, हेंस देयर विल बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से यूज होती है, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनर्जी को यूज करती है, तो दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माय डियर सोल्जर, याद रखिए, इन केस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट देयर विल बी जस्ट एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, देयर विल बी द जस्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और किसका ट्रांसफर होगा, किसका ट्रांसपोर्ट होगा, आयनों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो एग्जाम्पल है दैट इज द सोडियम पोटेशियम पंप। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आ चुका है, सोडियम पोटेशियम पंप इज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और माय डियर सोल्जर्स, देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो चैनल होते हैं, कैरियर मेडिएटेड जो प्रोटीन होती है, इसके अंदर जो दो ग्रुप्स होते हैं आउटसाइड जो पोटेशियम से बाइंड करते हैं, और तीन ग्रुप्स होते हैं इनसाइड जो कि सोडियम से बाइंड करते हैं। तीन सोडियम आयन आउटसाइड जाता है जबकि दो पोटेशियम आयन इनसाइड आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होता है, इसके बावजूद भी ये पोटेशियम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। इनसाइड द सेल सोडियम आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, बाहर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है सेल के, इसके बावजूद भी इस पंप के थ्रू सोडियम इनसाइड से बाहर साइड जाता है। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल बना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल बना। यहाँ पे आयनों का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये सारे पॉइंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हमने उठा के लाए हैं आपके लिए स्पेशली। अब ये आगे डिवाइड करते हैं, तो जो कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होता है, अगेन इट विल बी ऑफ द टू टाइप, एक हो थ्री टाइप, इट विल बी वन यूनिपोर्ट, अनदर इज सिमपोर्ट, अनदर इज एंटीपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, इस कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन के थ्रू, इस कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन के थ्रू यदि एक मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज
यूनिपोर्ट। सिमपोर्ट क्या होता है? सिम का मतलब क्या होता है? साथ साथ में। यदि इस मॉलिक्यूल के साथ कोई आयन साथ में जुड़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिमपोर्ट। और एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट क्या है माय डियर सोल्जर? ये एंटीपोर्ट का मतलब अपोजिट, यानी एक मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा है वन साइड तो जस्ट उसके अपोजिट दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसफर होगा आउटसाइड, यानी अ सच काइंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। याद रखिए, यूनिपोर्ट वन मॉलिक्यूल, सिमपोर्ट दो मॉलिक्यूल साथ साथ में, और एंटीपोर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन जब दो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हों। तो ये आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहा लेक्चर नंबर 6 का। आप इसको जो है रिवाइज करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो 7880882988 पे कॉन्टैक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।